तो मैं जब यहां आया और इस प्रार्थना घर को देखा तो मैं सोचा ये तो कैथेड्रल बना रहे थे, ये सुंदर भवन आज हम जिस पर आशीष दे रहे हैं, आप देखे होंगे कि भवन पर आशीष देने के पहले आशीष का जल हम सब ऊपर छिड़का गया। ईश्वर जो हमारे बीच उपस्थित है वो हमारे जीवन में हमारे दिलों में रहना चाहते हैं। उसके बाद दीवारों को बेदी को आशीष दिया गया। यहां यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि बेदी का सिर्फ आशीष हुआ है, उसका विलेपन नहीं हुआ है जो गिरजाघरों का होता है। और इसीलिए भविष्य में जब यहां पर पुरोहित रहेंगे और पवित्र यूक्रिस्ट स्थापित किया जाएगा उस समय यहां पर इस वेदी को का विलेपन होगा, कॉन्सेक्रेशन होगा। आज सिर्फ आशीष देकर के इस गिरजे को संत मदर टेरेसा के नाम पर इस गिरजे घर को समर्पित किया जाएगा। तो जब भी होगा आप लोग फादर को याद दिलाएंगे, फादर बेदी का आज केवल आशीष हुआ है, विलेपन नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बनाया गया है यहाँ पर ये सुंदर है। और विलेपन इसीलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पुरोहित निवास नहीं करेंगे और सिर्फ यहाँ पर यूक्रिस्ट का अनुष्ठान होगा। यूक्रिस्ट को पवित्र साक्रामेंट की स्थापना नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर यूक्रिस्ट नहीं रखा जाएगा, लेकिन आप यूक्रिस्ट ग्रहण करेंगे। जो यहां आएंगे प्रार्थना करने के लिए वह यूक्रिस्ट ग्रहण करेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे। आपको याद रखना होगा जो तबरनाकल यहां रखा जाएगा उसको स्थापित करने के पहले आप चलते फिरते तबरनाकल बनकर इस क्षेत्र में लोगों के बीच में रहेंगे। तबरनाकल के सामने जब हम आते हैं तो कैसे आते हैं, दंडवत करते हैं, सिर झुकाते हैं। प्रत्येक क्रिश्चियन का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें यीशु के उपस्थिति को पहचान सके, उसके सामने हम नतमस्तक हो सके। आपका पल्ली कहां है, कहां है, कहां, पसान, याद रखिएगा पसान है, ये नहीं हो गया है। आपके लिए अनुष्ठान यहां होगा। यहां क्यों बनाया गया, इसके लिए ये है कि यौहन बपतिस्मा जो प्रभु के मार्ग तैयार करने आए थे वो रेगिस्तान में लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाते थे, पश्चाताप करो और क्या उसके बाद क्या कहते थे, पश्चाताप करो पश्चाताप करो क्या जी, इस प्रस्ताव करो ईश्वर का राज्य आ गया है। और वो कहां कहते थे, रेगिस्तान में, जहां लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए
और उनसे पश्चात का बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए जाते थे और वो कहते थे मैं तुमको केवल जल का बपतिस्मा देता हूं लेकिन मेरे पीछे आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जब यीशु आए तो वो रेखा स्वर्ग में चढ़ती है आशीष हो चुकी है। अब इस वेदी पर को सुसज्जित किया जाएगा। यह यूकरिस्टी बलिदान वह प्रभु की मेज पुरोहित एवं लोक धर्मी इसके इर्द गिर्द एकत्र होकर प्रभु के पास्का के रहस्यों को मनाते हैं। वेदी की सजावट इस बात की प्रतीक है कि यहाँ एकत्रित प्रभु की प्रजा हर्षित मन से अनंत जीवन के लिए यहाँ भोजन ग्रहण करती है और यह भोज है स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त। कृपया बैठिए। प्रज्वलन के बाद हम आज की धर्म विधि के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करते हैं और वह है पवित्र यूकरिस्ट की धर्म विधि जिसके लिए यह प्रार्थना भवन वह वेदी का निर्माण किया गया। इसमें सबसे पहले हम चढ़ावे में अपनी सभी आवश्यकताओं और प्रभु से प्राप्त सभी आशीष और कृपाओं को हम इस चढ़ावे के द्वारा प्रभु को समर्पित करेंगे। हमारी भेंट रोटी और दरखास्त के साथ हम स्वयं को भी प्रभु को आज इस प्रार्थना भवन में समर्पित करेंगे ताकि हम सबों का जीवन प्रभु का एक प्रार्थना भवन बन जाए।